स्वागत है आप सभी का नवभर्ती परिवार में। मेरा नाम है सलोनी मुद्गिल और आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो कार्बन क्या है? एक एलिमेंट है। कार्बन इज एन एलिमेंट और इसका सिंबल क्या होता है? सी। ठीक है, तो हमारी पीरियोडिक टेबल में 180 एलिमेंट्स हैं और आगे भी कई सारे फाइंड होंगे, है ना। हम आगे भी कई सारे साइंटिस्ट फाइंड करते हैं, तो अभी तो प्रेजेंटली 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास, उनमें से एक है कार्बन। ठीक है, कार्बन भी एक एलिमेंट है, कार्बन का सिंबल होता है सी और ये एक नॉन मेटल है। ठीक है, तीन चीजें होती हैं, एक होता है मेटल, एक होता है नॉन मेटल और एक होते हैं मेटलॉइड्स। नॉन मेटल और एक होते हैं मेटलॉइड्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स तो आपको पता ही है। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें नॉन मेटल और मेटल की दोनों की ही प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, तो कार्बन क्या है? एक नॉन मेटल है। ठीक है, द नेम ऑफ कार्बन इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड कार्बो विच मीन्स कोल। ठीक है, तो ये एक लैटिन वर्ड से इसका नाम निकाला गया है। लैटिन में एक वर्ड होता है कार्बो, कार्बो का मतलब होता है कोल, तो कार्बो कार्बन इस तरह से इसका नाम निकाला गया है। और जो कोल होता है, आपने सुना होगा कोल, उसका मेन पार्टी कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है? कार्बन। इसीलिए मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कोल का क्या होता है? कार्बन। द अमाउंट ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमोसफेयर इज वेरी स्मॉल। जो भी पूरे अर्थ में, अर्थ की क्रस्ट में जितना भी कार्बन प्रेजेंट है या फिर एटमोसफेयर में प्रेजेंट है, जितना भी कार्बन, वो उसकी क्वांटिटी बहुत कम होती है, बहुत ही कम परसेंटेज में वो प्रेजेंट होता है हमारे एटमोसफेयर में और हमारे अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल ले तो अर्थ क्रस्ट में सिर्फ 0.02% है कार्बन। ठीक है, अब ये किसकी फॉर्म में है? अब ये 0.02% किस फॉर्म में है? कार्बन, कार्बोनेट्स की फॉर्म में, मिनरल्स की फॉर्म में है। जैसे कि मिनरल्स कौन कौन से? कोल, कोल में होता है कार्बन, पेट्रोलियम में होता है, कार्बोनेट में होता है। तो कार्बन मिनरल्स की फॉर्म में अर्थ के क्रस्ट में प्रेजेंट है, वो भी सिर्फ 0.02% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। ठीक है, और एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट कार्बन प्रेजेंट है? 0.03% कार्बन प्रेजेंट है, वो भी गैशियस फॉर्म में, गैस की फॉर्म में प्रेजेंट है। और कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, यानी कि कोल हमारे पास सॉलिड फॉर्म में हम कह लें तो किस किस में है? कार्बोनेट, कोल्स एंड पेट्रोलियम में है हमारे पास। मिनरल फॉर्म में है कार्बन, और एटमॉस्फेयर में किस फॉर्म में है? गैशियस फॉर्म में है। कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कितना प्रेजेंट है? 0.03%। और आपको एक बात पता होगी कि सारे ही लिविंग जो थिंग्स हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो सारे ही कार्बन बेस्ड कंपाउंड से बने हुए हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में भी कुछ ना कुछ ऐसी सब्सटेंसेस हैं जो हमारी बॉडी में कार्बन के ही फॉर्म हुए हैं। ठीक है, हमारी बॉडी में जो मिनरल्स हैं वो बेसिकली कार्बन के ही होते हैं। ठीक है, कार्बन के ही कंपाउंड होते हैं। और हम कार्बन के कंपाउंड्स को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। The compounds of carbon are called organic compounds. जब आप सीनियर क्लासेस में आओगे तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से एक टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, और यहाँ तक कि उसके ऊपर पूरी एक बुक भी होती है। ये टॉपिक इतना वास्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कि इसके ऊपर बुक्स होती हैं, बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज होती हैं इसके ऊपर। तो इसमें बेसिकली किस चीज़ की पढ़ाई की जाती है? कार्बन और उसके कंपाउंड्स की। तो इस क्लास में तो हम सिर्फ कार्बन, उसके कंपाउंड्स और उसके कुछ एलोट्रॉप्स और बेसिक कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उन सब की। ठीक है, इन सब में तो हम यही पढ़ेंगे, पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत ही वास्ट टॉपिक होता है। और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं? कंपाउंड बेस्ड ऑन कार्बन। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अकरेंस ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन किस फॉर्म में अकर होता है, किस फॉर्म में पाया जाता है, अकर होता है। ठीक है, तो कार्बन किस किस फॉर्म में अकर होता है? एक तो एलिमेंट के फॉर्म में अकर होता है, और एक कंपाउंड के फॉर्म में आकर होता है, यानी कि एक फ्री स्टेट में, यानी कि खुद ही एलिमेंट अपनी फॉर्म में, यानी कि कार्बन किसी से कंबाइंड नहीं हुआ हुआ है। ठीक है, सिर्फ कार्बन अकेला है, तो ये फ्री स्टेट है, वो अकेला है, फ्री है, वो किसी साथ कंबाइंड नहीं होना पड़ा उसको। या फिर दूसरा तरीका है कि वो कंबाइंड स्टेट में होता है इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के साथ ये कार्बन कंबाइंड हो जाता है, अलग अलग एलिमेंट्स के साथ कंबाइन होके कंपाउंड बनाता है, और कंबाइंड स्टेट में भी ये मिलता है। जैसे कि ओर्स में, ओर होती है जैसे हमारी चट्टानें होती हैं, उनमें से जब हम मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कार्बन क्या होता है? उन सबसे कंबाइंड होता है। ठीक है, तो इसको हमें सेपरेट करके
हमें यूज करना पड़ता है। तो दो तरह से ये प्रेजेंट है नेचर में, एक फ्री स्टेट और एक कंबाइंड स्टेट। सबसे पहले पढ़ेंगे फ्री स्टेट, कि फ्री स्टेट में कार्बन किस तरह से प्रेजेंट है। कार्बन बेसिकली दो फॉर्म में प्रेजेंट है, मेन दो फॉर्म है उसकी, नेमली डायमंड एंड ग्रेफाइट। यानी कि ये सिर्फ दो फॉर्म में मिला, सिर्फ दो फॉर्म में नहीं, मतलब कि सिर्फ डायमंड और ग्रेफाइट ही नहीं, बल्कि एक और कंपाउंड अब मिला है जो फ्री स्टेट में है, मतलब एक और फ्री स्टेट में ये प्रेजेंट है, वो उसका नाम क्या होता है, बकमिंस्टर फुलरेन। ठीक है, कार्बन अकर्स इन नेचर इन मेनली टू फॉर्म्स। कौन कौन से टू फॉर्म्स है? डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट के अलावा भी आजकल ये एक और फॉर्म में मिलने लग गया है जिसका नाम है बकमिंस्टर फुलरेन। तो ये बकमिंस्टर एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पे इस नेम को रखा गया है, इस फ्रीली अकरिंग कार्बन को रखा गया है इसका नाम। ठीक है, तो ये होती है तीन फॉर्म्स, डायमंड, ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फुलरेन। ये फ्री स्टेट ऑफ कार्बन है, ये कंबाइंड नहीं है। ठीक है, आगे हम एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन पढ़ेंगे, तो उनमें यही तीन चीजें आएंगी, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरेन। नेक्स्ट है इन कंबाइंड स्टेट। अब कार्बन कंबाइंड स्टेट में मिलता है जब वो कंपाउंड बनाता है, जब वो किसी और सब्सटेंस से कंबाइन होता है तो वो कंपाउंड बनाता है, और हेंस वो कंबाइंड स्टेट में भी मिलता है। तो सबसे पहले को क्या है, कैसे मिलता है कंबाइंड स्टेट में, वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होके कार्बन डाइऑक्साइड बना के वो गैस में प्रेजेंट होता है, एयर में प्रेजेंट होता है, गैस की फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट वाला है अपना कार्बन डाइऑक्साइड CO2। जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या हो गया, एक कंपाउंड। दूसरा है कार्बोनेट्स की फॉर्म में होता है। कार्बोनेट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि लाइमस्टोन, मार्बल, चौक एक्सेट्रा, ये सभी क्या है, कार्बोनेट्स हैं। ठीक है, तो कार्बोनेट्स की फॉर्म में ये बहुत ही सॉफ्ट सॉलिड होते हैं। आपको पता है चौक भी बहुत सॉफ्ट सॉलिड होते हैं, इजीली ब्रेकेबल होते हैं, ये बहुत ही ब्रिटल होते हैं, है ना। तो ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है सेकेंडली, है ना, कंबाइन होके। थर्ड क्या है, फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैसे कंबाइन करता है ये, कोल में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। ठीक है, ये फॉसिल फ्यूल्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। तो ये इसका मतलब ये है कि कार्बन बहुत ही हाईली कंबस्टिबल है, बिल्कुल बहुत ही लंबे समय तक भी इसको ये एग्जॉस्ट नहीं होता, क्योंकि कोल, देखो कोल कितने थाउजेंड ईयर्स में, ये डिकेड चीजों से मिलकर बनता है, पेट्रोलियम। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ कोल क्या होता है। जब जैसे कोई वुडन पीस है, कोई एक पेड़ टूट गया किसी जगह पे, एक पेड़ टूटा हुआ, तो उसकी एक पेड़ का पार्ट है ये, मान लो फॉर एग्जाम्पल। तो क्या होगा, धीरे धीरे जैसे कि बारिश, आंधी, इन सब से क्या होगा, वो एक सैंड की लेयर से कवर हो जाएगा, धीरे 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 उसके ऊपर और लेयर्स आ जाएंगी सैंड की, और क्या होगा, अर्थ क्रस्ट और अर्थ कोर की जो हीट होती है उसकी वजह से ये धीरे धीरे ये डीके होगा, और इसके ऊपर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे उसकी वजह से भी ये धीरे धीरे डीके होगा, और इतनी ज्यादा हीट की वजह से ये ओवर 1,500 ये क्या होगा, कोल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये था कोल का एग्जाम्पल। पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है, पेट्रोलियम डीजल वगैरह ये कैसे हम निकालते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होता है, उससे इनको अलग अलग टेम्परेचर पे बॉयल करके, इस रेसिड्यू होता है, क्रूड ऑयल होता है, उसको बॉयल करके इन सबको हम निकालते हैं। अभी कैसे कैसे होता है प्रोसेस, सी बेड सुना होगा आपने, क्या होता है, समुद्र यानी कि सी के जो एकदम जो बेड होता है, यानी कि उसका जो एंड होता है, उसमें क्या होता है, जैसे कि कई प्लांट्स होते हैं वो डेड प्लांट्स, वो बेड बन जाके, बेड कहते हैं इसको, इसके सी को, सी के जो डेप्थ होती है एकदम, उसके एंड को क्या कहते हैं, बेड। तो सी बेड में जाके जो प्लांट्स होते हैं वो वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं, जो फिश के पार्ट्स वहां आ जाते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं सी में, वो सारे बेड में आ जाते हैं। अब सेम प्रोसेस होता है ओवर एंड ओवर, उसके ऊपर और लेयर कवर होती है। तो अर्थ के कोर और क्रस्ट से जो हीट इवॉल्व हो रही है, हीट निकल रही है, उससे क्या होते हैं, ये धीरे धीरे डीके हो जाते हैं, और भी प्लांट्स हेल्प करते हैं इसको डीके करने के लिए, धीरे धीरे डीके हो जाते हैं, और वो एक हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं जमीन से, वो एक मशीन के थ्रू एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो पार्ट, वो रेसिड्यू, और फिर उसको रिफाइन करके पेट्रोलियम और डीजल, बाकी सारी जितने भी फॉसिल फ्यूल से ऑब्टेन होने वाली चीजें हैं ये हमें मिलती हैं।
फोर्थ है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स एंड प्रोटीन्स. ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मतलब कार्बन बेस्ड. ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब आप कहीं भी ऑर्गेनिक लिखा हुआ है इसका मतलब आप समझ जाओ कि इन कंपाउंड में कार्बन है, ये कार्बन बेस्ड कंपाउंड है. अब मैंने आपको कहा था कि हमारी बॉडी में भी कार्बन का कुछ पार्ट प्रेजेंट है, तो कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स फैट्स प्रोटीन्स एक्सेट्रा. ठीक है, तो हमारी बॉडी में भी फैट होता है, हमारी बॉडी में प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं, तो इन सब में क्या प्रेजेंट है, कार्बन. ठीक है, तो इनडायरेक्टली हमारी बॉडी में क्या प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जिनका क्या मतलब है कि हमारी बॉडी में कार्बन भी प्रेजेंट है. तो ये हो गया हमारा फोर्थ वाला पॉइंट कंबाइंड स्टेट का. लास्ट है वुड कॉटन एंड वुल. वुड कॉटन और वुल में भी ये प्रेजेंट होते हैं. अब देखो वुड कॉटन और वुल ये सारे हमें किससे मिलते हैं, प्लांट्स और ट्रीज से मिलते हैं. ठीक है, प्लांट्स और ट्रीज में भी मिनरल्स और ये सारी हमारे मिनरल्स विटामिन ये सारे प्रेजेंट होते हैं और उसमें क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन. तो ये भी किसके कंपाउंड हो गए, कार्बन के कंपाउंड हो गए. वुल कॉटन और वुल इनमें भी क्या होता है, कार्बन. अब देखो कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड. ठीक है, एक्टिवेटेड कार्बन यहाँ पे इस इमेज में दिख रहा है आपको, पाउडर्ड फॉर्म, ग्रेन्यूलर फॉर्म और पैलेट्स. तो ये क्या है, अलग अलग टेक्सचर है कार्बन के. ये कार्बन किस किस तरह से प्रेजेंट हो सकता है, एक तो बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म में हो सकता है, बिल्कुल पाउडर्ड फॉर्म है ना, एकदम ही पाउडर्ड. और एक होता है ग्रेन्यूलर, इसमें ग्रेन्यूल्स होंगे. ठीक है, थोड़ा पथरीला सा होगा ये पैलेट्स. ठीक है, बहुत ही लाइट पार्टिकल्स, ग्रेन्यूलर से थोड़े से लाइट पार्टिकल्स होंगे इसमें. ठीक है, तो इसमें भी ये है अलग अलग टेक्सचर्स है कार्बन के कि एक्चुअली कार्बन दिखता किस कलर का है. कार्बन बिल्कुल ही प्योर ब्लैक कलर का होता है. ठीक है, फिर आते हैं अब इधर इमेजेस बनी हुई है ह्यूमन बीइंग्स के. तो ह्यूमन बीइंग्स में भी, ह्यूमन बीइंग भी क्या है, कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. ह्यूमन बीइंग्स भी कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स होते हैं. और ऑर्गेनिक फूड, ऑर्गेनिक फूड मतलब कि वेजिटेबल्स पल्सेस, इन सब में क्या प्रेजेंट होता है, कार्बन. तो ये क्या हो गया, ऑर्गेनिक. ऑर्गेनिक वो ही होता है जिसमें कार्बन प्रेजेंट होता है. तो ये सारे फूड क्या हो गया, ऑर्गेनिक. तो इसको इसलिए कहा है ऑर्गेनिक फूड. नेक्स्ट टॉपिक है अपना कार्बन ऑलवेज फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कार्बन हमेशा ही कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है और कैसे बनाता है, ये सब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे. द एटमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6, यानी कि कार्बन का एटमिक नंबर 6 है. इसका मतलब क्या हुआ कि ये पीरियोडिक टेबल में 6 नंबर पे आता है और इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, इसमें 6 है. यानी कि प्रोटॉन्स भी 6 हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 6 है. ठीक है, हर एक इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम ही होते हैं किसी भी स्टेबल एटम में. तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी न्यूट्रल एटम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 6 ही प्रोटॉन्स होंगे. तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2.4, और 2 किस में होता है, के शेल में, और 4 किस में होता है, एल शेल में. इसका मतलब क्या हुआ कि एल शेल में हमें मैक्सिमम कितने चाहिए होते हैं, जो के की बात क्या आता है, के शेल में तो हमें कितने चाहिए होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 चाहिए होते हैं. ठीक है, एल में हमें कितने चाहिए होते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 चाहिए होते हैं एल शेल में. ठीक है, जैसे कि पहला ये हमारा न्यूक्लियस है, इसके बाद फर्स्ट शेल है ये के, उसके बाद है एल, फिर एम, फिर एन, इस तरह से हमारे पास शेल होते हैं. अनडाइडी डायग्राम पर समझने के लिए, ठीक है, कि सबसे पहले न्यूक्लियस होता है सेंटर में, उसके बाद के शेल, तो के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2. उसके बाद आता है एल शेल, एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए मैक्सिमम, 8. पर कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है आउटर मोस्ट शेल में, 4 इलेक्ट्रॉन्स है. अब इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस ने अपनी तरफ इतनी ज्यादा अच्छे से, इतनी ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट कर रखे हैं कि ये स्टेबल होने के लिए अपना आउटर मोस्ट शेल के 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकता, यानी किसी को नहीं दे सकता. ठीक है, वो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है, पॉजिटिवली चार्ज आयन्स है, उन्होंने इसको इतनी ज्यादा टाइटली अट्रैक्ट कर रखा है अपनी तरफ कि ये ना तो गेन हो सकते और ना ही लूज हो सकते. गेन क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि कार्बन के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4-4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने साथ जोड़ने के लिए वो सारी अपनी एनर्जी अप्लाई करे. उसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को अपने गेन कर सके, इतनी एनर्जी नहीं होती कार्बन के पास. ठीक है,
तो ना तो वो गेन कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स को, ना ही लूज कर सकता है, तो वो क्या करेगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन्स की, यानी कि चार इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर करेगा, ठीक है। टू गेन द स्टेबिलिटी इट नीड्स द टोटल ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, सिंस द कार्बन के नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स, ना तो वो गेन कर सकता है और ना ही लूज कर सकता है, देयरफॉर इट शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एलिमेंट्स एंड हैंस फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। तो क्योंकि वो शेयर नहीं कर सकता ना ही गेन कर सकता है, इसलिए वो क्या फॉर्म करता है, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब ही मैंने आपको बताया था शेयरिंग बॉन्ड, ठीक है। हमने जब इसके बारे में बात की थी, इसके बारे में पढ़ा था हमने, तो मैंने आपको पहले बॉन्ड वाला जो पढ़ाया था, आयनिक बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड वाला चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था कोवेलेंट का मतलब ही है शेयरिंग के लिए जो बॉन्ड फॉर्म किया गया है, वो जो एटम्स या फिर जो एलिमेंट्स शेयरिंग नहीं कर सकते हैं या फिर डोनेट नहीं कर सकते या गेन नहीं कर सकते, वो क्या करते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं, यानी कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है उनमें, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन इज टेट्रावेलेंट, टेट्रावेलेंट कहते हैं इसको, ठीक है। टेट्रावेलेंट क्या होता है ये समझेंगे अब हम। सिंस वन कार्बन एटम रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अचीव द 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। अब इस एक सेंटेंस में भी काफी सारी चीजें हमें समझनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है कि सिर्फ सिंस एक ही कार्बन एटम को कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर को ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। इसलिए कार्बन की वैलेंसी कितनी है, 4। अब इस सेंटेंस में हम बहुत सारी चीजें समझेंगे, जैसे कि 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर, ये चीज क्या होती है, 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को स्टेबिलिटी, स्टेबल होने के लिए, नॉर्मल स्टेट में आने के लिए, ठीक है, नॉर्मल स्टेट, स्टेबिलिटी में बोलूं तो समझ जाना नॉर्मल स्टेट, इसका मतलब है नॉर्मल स्टेट। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी एटम को नॉर्मल स्टेट में आने के लिए क्या करना होता है, 8 इलेक्ट्रॉन्स उसको अपने आउटर मोस्ट शेल में चाहिए होते हैं। अब मान लो कोई भी एटम है, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम है, उसको कितने आउटर मोस्ट शेल में मैक्सिमम उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, चाहे वो सल्फर हो, कैल्शियम हो, चाहे कोई भी एलिमेंट हो। देयरफॉर द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, इसलिए कार्बन की वैलेंसी 4 है, क्योंकि उसको कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, 8, उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स है और उसको चाहिए 8, तो उसको कितनी रिक्वायरमेंट है, 8 - 4 अगर हम करेंगे, 8 में से अगर 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो कितना आएगा, 4, यानी कि उसको आउटर मोशन में और कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए, 4 तो है, 4 और चाहिए, तो टोटल 8 हो जाएंगे, तो फिर वो स्टेबिलिटी गेन कर लेगा, 8 इलेक्ट्रॉन इनर्ट गैस स्ट्रक्चर गेन कर लेगा वो, ठीक है। तो जितने उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए वो क्या होगी, उसकी वैलेंसी, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर कितने उसकी वैलेंसी, कितने उसके आउटर मोस्ट शेल में है, ये उस पर डिपेंड करता है कि कितने उसके आउटर मोस्ट शेल में है, 4 से कम है, 4 से ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग उसकी वैलेंसी रखी जाती है प्लस या फिर माइनस में, ठीक है, कि वो गेन करेगा या फिर डोनेट करेगा। इसलिए कार्बन को टेट्रावेलेंट कहा है। टेट्रावेलेंट का मतलब क्या होता है, टेट्रावेलेंट में टेट्रा का मतलब क्या होता है, 4, और वेलेंट का मतलब होता है वेलेंसी। तो टेट्रावेलेंट में क्या होता है, टेट्रा मतलब 4 वेलेंसी है इसकी, क्योंकि क्यों, क्योंकि इसे 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करने हैं, ना तो ये डोनेट कर सकता है ना ही ये गेन कर सकता है, इसलिए 4 इलेक्ट्रॉन इसे शेयर करने हैं, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। टॉपिक का मतलब समझेंगे सबसे पहले हमेशा की तरह सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ कॉम्बिनेशन यानी कि खुद से ही कंबाइन होने की जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, वो उसके बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है इसमें ये है कि सबसे आउटस्टैंडिंग या फिर यूनिक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, क्या 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 आउटस्टैंडिंग प्रॉपर्टी होती है, इट कंबाइंड इटसेल्फ एटम टू एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, यानी कि इसकी सबसे बढ़िया प्रॉपर्टी और यूनिक प्रॉपर्टी क्या है, ऐसी प्रॉपर्टीज किसी और में नहीं है, ठीक है, किसी और एलिमेंट में इतनी प्रॉपर्टी नहीं है, इसलिए ही कार्बन पे पूरा एक सब्जेक्ट बन गया है जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। तो इसमें इतनी यूनिक प्रॉपर्टीज है कि इतनी बढ़िया एबिलिटी है कि ये खुद से ही बहुत बार कंबाइन हो सकता है और ये लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकता है, बहुत ही अपनी कार्बन की लॉन्ग चेन्स फॉर्म कर सकता है, कार्बन की बहुत ही लंबी लंबी चेन्स जिसमें कि कई सारे कार्बन होते हैं, मोर देन मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं है, पर बहुत सारे कार्बन हो सकते हैं उसमें, ठीक है, और उन्हीं के इसी के अकॉर्डिंग, नंबर ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग ही इनका नाम रखा जाता है,
इनका नाम रखना भी बहुत आसान होता है। तो यही चीज सब चीज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं इसकी, लॉन्ग चेन का एग्जांपल है ऑक्टेन। ऑक्टेन मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट होता है पेट्रोल का। पेट्रोल इसी का मेन कॉन्स्टिट्यूएंट, मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट है पेट्रोल का ये मेन। इसमें 8 कार्बन होते हैं, 8 कार्बन की चेन होती है ये। और कुछ कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि स्टार्च, सेल्यूलोस, इनमें हंड्रेड्स ऑफ चेन ऑफ कार्बन होती है, कार्बन एटम की हंड्रेड्स ऑफ चेन होती है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब फर्स्ट टॉपिक क्लियर है कि ये खुद से ही कितनी बार कंबाइन हो सकता है, इसकी सेल्फ कॉम्बिनेशन प्रॉपर्टी कितनी बढ़िया है। द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन इज यूजफुल टू अस बिकॉज इट गिव्स राइज टू एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ये सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये लॉन्ग चेन फॉर्म करके हमारे लिए लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड फॉर्म कर सकता है। अलग अलग नंबर ऑफ कार्बन चेन, जैसे कि मान लो किसी में 1 कार्बन है, किसी कंपाउंड में 2 कार्बन है, किसी में 3, ऐसे ही 100, 200 कितने भी। तो ये सारे क्या अलग अलग तरह के कंपाउंड बन रहे हैं, सब में अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। कोई ज्यादा कंबस्टिबल होता है, कोई नहीं होता, किसी की ज्यादा कैपेसिटी, कुछ अलग अलग कैपेसिटीज होती है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सबका अलग अलग होता है। तो इससे क्या होता है, सेल्फ कॉम्बिनेशन से अलग अलग तरह के कंपाउंड फॉर्म होते हैं सेल्फ कॉम्बिनेशन की प्रॉपर्टीज से, जिनकी मदद से अलग अलग जिनकी मदद से मतलब बहुत हेल्प मिलती है टू ऑक्यूपाई एक्सट्रीमली लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। अब आते हैं थर्ड टॉपिक, थर्ड पॉइंट पे। दिस प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन इज ऑल्सो नोन एज कैटेनेशन। अब ये जो कार्बन खुद से ही कंबाइन करता है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कैटेनेशन, ठीक है। कार्बन खुद से खुद की ही चेन बनाता है, खुद से कंबाइन होता है, यहाँ पे सी 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 की बहुत सारे कार्बन है, तो इसने खुद की ही चेन बनाई, तो इसको क्या कहते हैं, कैटेनेशन, ठीक है, इसको कैटेनेशन कहते हैं। एंड नो अदर एलिमेंट हैज सच अ प्रॉपर्टी टू द एक्सटेंट सीन बाय कार्बन कंपाउंड्स। और किसी भी एलिमेंट में इतनी हद तक सेल्फ कॉम्बिनेशन या फिर कैटेनेशन की इतनी हद तक बढ़िया प्रॉपर्टीज किसी भी एलिमेंट में नहीं देखी गई हैं, ठीक है। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।